झज्जर के वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के तीसरे साल के स्टूडेंट्स का धरना 39वें दिन में प्रवेश कर गया है। इसके अलावा 5 दिनों से वे आमरण अनशन कर रहे हैं। शासन प्रशासन पर सुनाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि अब मौत का ही एक रास्ता नजर आ रहा है। 39 डेज से हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा धरना चल रहा है और पिछले 5 दिन से हम बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हैं। हम सारे अनशन पे बैठे हैं जिसके चलते आज 5वां दिन है और हमारे 15 साथी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और हॉस्पिटल में भी ऐसे खस्ता हालत है। वहाँ पे एडमिट करने से पहले मना कर रहे थे, जबरदस्ती से वहाँ पे हमें एडमिट करवाया है और उसके बाद भी वहाँ पे जो भी सरकार की तरफ से कोई भी हमारी तरफ कोई देखने नहीं आया है, कोई पूछने नहीं आया है। इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चे एडमिट हैं, इतने रोज़ इतने भर्ती हो रहे हैं, अब तक कोई नहीं देख रहा है। कॉलेज की तरफ से कोई नहीं आया है, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है, मेडिकल एजुकेशन की तरफ से कोई भी नहीं आया है हमें पूछने के लिए। हर जगह कर लिया है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल हर जगह जा चुके हैं। स्टार्टिंग हमने कॉलेज से की थी, फिर हमने झज्जर में, रोहतक में, फिर हमने DMER में हम जा चुके हैं, अनिल विज जी के पास हम जा चुके हैं, हर्षवर्धन के पास हमने अपने कंप्लेन फाइल की है, अमित शाह जी के घर के पास बाहर हमने प्रोटेस्ट किया था। वो भाई ये सारे 10 दिन का टाइम बोलते हैं कि इतना टाइम आपको दीजिए, हम आपका सोल्यूशन करेंगे, लेकिन अब तक सोल्यूशन हुआ नहीं है। 40 दिन लगभग हो चुके हैं हमें यहाँ पे बैठे, 3 साल हमारे वैसे बर्बाद हो चुके हैं। हर कोई सिर्फ बात को टाले जा रहा है, झूठे वो बीच की चीज़ें लेके आ रहे हैं, मध्यम मार्ग निकाल रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल से टाई अप कर देंगे। सिविल हॉस्पिटल में हम लोगों को भर्ती करने की जगह है नहीं और कहाँ से टाई अप करेंगे। हमारी जो मान्यता है, मान्यता नहीं मिली हमारे बैच को, उसको कैसे भरपाई करेंगे? हम यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हमारी डिग्री वैलिड नहीं होगी, हम किस टाइप के डॉक्टर बनेंगे, कैसे हम औरों का फ्यूचर बचाएंगे जब हमारे फ्यूचर खतरे में है? कोई उम्मीद उम्मीद किसी से कुछ नहीं रह रही है। उम्मीद से यहाँ पे बैठे थे कि कुछ टाइम में सरकार की आंखें खुलेंगी, वो देखेंगे हमारे तरफ कि कुछ तो उनके अंदर ह्यूमैनिटी होगी, मानवता बची होगी, पर यहाँ पे नहीं है अब कोई भी उम्मीद। यहाँ पे बस मरने के लाले पड़ रहे हैं और नहीं है अब ना कुछ जीने की इच्छा है, ना इनसे कुछ आगे अपील करने की इच्छा है। चुनाव का टाइम है, मंत्री भी, नेता लोग भी आते हैं, कोई नहीं आता। जो मेन सरकार है उनकी तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, दूसरी पार्टीज हैं उनसे आते हैं समर्थन देने के लिए, पर जिनके हाथ में पावर है, जो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो तो कोई आ ही नहीं रहा है आगे। उन्होंने उनसे मिल के आए थे हम लोग अपॉइंटमेंट लेके, उन्होंने कहा कि हम आपके ठीक है सोल्यूशन करेंगे, पर इतना टाइम हो चुका है, 40 दिन कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे तड़प रहे हैं, जिंदगी हमारी क्या, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बैठे हैं, वो भी इतने दुखी हो चुके हैं, लेकिन कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे लोगों के आंसू इनको झूठे लग रहे हैं, जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं वो झूठे लग रहे हैं, पर आके कम से कम इनकी कंडीशन तो देखिए, कितनी बेकार इनकी हालत हो रखी है, पर नहीं देख रहा कोई भी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर ऐसे किसी के बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं ना अगर इनके नेताओं के, तो ये आते यहाँ पे, उनके बच्चे यहाँ पे नहीं है इसलिए ये अपने मजे में जी रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही तो फिर ऐसे में तो भविष्य एकदम खराब ही है। खराब तो हो ही चुका है, तो फिर आप लोगों की क्या आगे की? हम नहीं उठेंगे यहाँ से, कितना टाइम लग जाए, 40 दिन हो चुके हैं, 40 महीने हो जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा कोई सोल्यूशन ना निकल जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। 12वीं पास बचे हुए हैं हम, इतने पैसे देने के बाद भी, इतनी उम्मीदें हमारी थी, हमारे पेरेंट्स की थी, सबके सब मिट्टी में मिल चुकी है, नहीं देख रहा कोई। धरने को 39 दिन हो चुके हैं जो हमने दोबारा से अपनी भूख हड़ताल करी, ऐसे भी सामूहिक भूख हड़ताल जो हमारे 60 बच्चे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, इसको भी आज 5वां दिन है, मेरे को खुद बैठे हुए आज 5वां दिन हो गया। 15 साथी हमारे हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, बहुत ही गंभीर अवस्था में है। हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पे 15 बच्चों को एडजस्ट करने की जगह नहीं है, उनका हमें नीचे गद्दे डाल के उनका इलाज किया जा रहा है। एक बेड पे दो बच्चों को शिफ्ट करने के बाद जब CMO साहब से मिलते हैं तो वो हमें कहते हैं हमारे पास इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम इतने बच्चों के लिए कहाँ से जगह लें। तो ये हाल है अपने झज्जर के सिविल हॉस्पिटल का, जिसको सरकार कहती है कि हम आपके कॉलेज के अल्टरनेटिव में आपको ये इससे अटैच कर रहे हैं। तो ये आप सरकार को देखना चाहिए, जहाँ पे 15 बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे 150 बच्चों के लिए व्यवस्था कैसे हो सकती है? मंत्रियों से मिलने की बात है, हम संतरी से लेकर बड़े मंत्री तक, जिसमें अपना झज्जर प्रशासन, DC, DMER, ACS, अनिल विज जी, मनोहर लाल खट्टर, अमित शाह, इन सब के पास जा चुके हैं, हाई कोर्ट में जा चुके हैं। अब कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं बचा है जिसको हमने ना खटखटाया, तो हमें बस आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है और वो कोरे आश्वासन है। 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 1 हफ्ता इतना बड़ा क्यों हो रहा। आखिरकार रही बात उम्मीदों की, उम्मीदें हमारी मर चुकी हैं,
इतने लंबे समय से हमें अपना संघर्ष करता हुआ, अगर उम्मीदें होती तो हम शायद इच्छा मृत्यु की मांग ना करते। सरकार के बारे में क्या बोला? सरकार बिल्कुल निकम्मी है, सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है, गूंगी बहरी सरकार है, ना कुछ देख रही है ना कुछ सुनना चाह रही। ये अपने सब अपने इलेक्शन के अपने जो कैंपेन करने में लगे हुए हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं है कि किसी का बच्चा मर रहा है, कोई तबाह कितनी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। एक बार आके देखे, कोई अब तक नहीं आया, कितनी बच्चियां वहां पर, लड़के लड़कियां वहां पर एडमिट हुए हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उनकी कितनी गंभीर अवस्था में वो एडमिट है वहां पर। एक बार आके तो देखे सरकार, ये सरकार जुमलेबाजी कर देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी बेटियां बचा रहे हो आप? बेटियां तो वहां पर पड़ी हैं, आप कोई सुध लेने नहीं आ रहा, आपको बस अपनी चुनावी कैंपेन के लगी है, आपको जो अपना नारा जो जुमला दे दिया आपने 75 पार उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। आपको जो हरियाणा का युवा है उसका भविष्य है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, आप सबको बर्बाद करने में लगी हुई है ये सरकार। आप 75 पार का नारा लगा रहे हैं, 75 पार, तो ऐसे में बच्चे बैठे हैं तो ऐसे में कहाँ सरकार? अगर 75 आगे तो फिर कहाँ सुनी? जब यही नहीं सुन, जब तक अपोजिशन नहीं होगा तो तब तक ये कैसे, ये सरकार सुनना ही नहीं चाह रही। क्यों नहीं सुनना चाह रही? क्योंकि इनकी कॉलेज खोलने में इनकी मिली भगत है, इनके अधिकारी प्रशासन अधिकारी ये सब मिली हुई है कि कहीं इनका ये जो फ्रॉड है, जो इन्होंने धोखा किया जनता के साथ और हमारे साथ भी, गवर्नर के साथ टीम आई थी उस, क्या लग रहा है? कोई उसमें भी हमें 1 हफ्ते का समय दिया गया था, बाद में रिपोर्ट्स आई थी जो झूठा आश्वासन दे के हमारा कि आपकी शिफ्टिंग, आपकी मांगे जेन्युइन है, आपका करवा दिया जाएगा। उस टाइम पे हमारी हड़ताल ख़त्म करवा दी थी उन्होंने जो हमारा अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन वो भी महज एक कोरा आश्वासन साबित हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये सरकार धोखों की सरकार है, बीजेपी सरकार। ठीक।